हमारे इंडियन कल्चर की जो सुंदरता है शायद उसका कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता, लेकिन अगर समझने के लिए कहें तो एक बहुत ही खूबसूरत सी थाली है जिसमें बहुत सारे व्यंजन हैं। हर एक व्यंजन को चखो तो वो उतना ही स्वादिष्ट और प्यारा लगता है। यहाँ पर वो व्यंजन हमारे कल्चर हैं, और जैसा कि हम भारत के बारे में कहते हैं कि डाइवर्सिटी में ही हमारी यूनिटी दिखती है, तो वैसे यहाँ अलग अलग कल्चर है और हर कल्चर की अपनी अलग एक खूबसूरती होती है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रभा शर्मा, और आपका स्वागत है बहुत समाचार प्लस झारखंड बिहार के विशेष कार्यक्रम में। वैसे कार्यक्रम क्यों है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं पोला बैशाख की। जी हाँ, नया साल जो कि बंगालीज के जो मनाते हैं, और ये उनके लिए बहुत खास होता है। ऑब्वियसली बात है, नया साल है तो तैयारियां नहीं होती है, नए कपड़े, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर बहुत सारी प्यारी बंगाली लेडीज़ हमारे साथ बैठी हुई हैं, और जैसे हम कह रहे थे नया साल होता है, नए कपड़े, बहुत सारी तैयारियाँ होती है। तो हम पोला बैशाख के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि वो है क्या। पोला बैशाख मतलब होता है नववर्ष। इस समय से हम लोग का संवत्सर शुरू हुआ था, उसी समय से हम लोगों का नववर्ष चलता है। तो ये हम लोग का बंगला कम्युनिटी, ये नहीं मैं कहूँगी, आजकल सबका सबको इसके साथ मिले हुए रहते हैं। और सबसे मज़े की बात है, हमारे भारतवर्ष में जैसे कि आपने कहा संस्कार संस्कृति के रूप में, हम सभी स्टेट में, सभी राज्यों में अपने अपने स्तर पर नववर्ष मनाते हैं। ये बंगला का नववर्ष है जिसको हम लोग पहला बैशाख बोलते हैं। और इस पहला बैशाख में बहुत कुछ शुरू होता है। जिन लोग बिजनेस करते हैं उनके हाल खाता शुरू होता है, मतलब जिसमें वो हिसाब किताब करते हैं वो खाता नवीन रूप से, आज पूजा होता है, पूजा जिस दिन पूजा होगा और पूजा में वो खाता शुरू होगा। साथ ही कल जो नया फल है, नया अन्न है, वो भी चढ़ता है भगवान को, क्योंकि हम लोग भगवान को दिए बिना कुछ खाते नहीं है। इसलिए नवान्न भी कल चढ़ेगा, आम भी कल चढ़ेगा, सत्तू भी कल चढ़ेगा। इसके साथ साथ हम लोग नए वस्त्र भी पहनते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, अपने हिसाब से तरह तरह का व्यंजन बनाते हैं, घर में खुद खाते हैं, घर के बच्चों को खिलाते हैं। साथ ही हम बड़े भी अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, हमारे छोटे को आशीर्वाद देते हैं, छोटे हमसे आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह से दिन भर का समय बहुत अच्छा से बीतता है। और जैसे कि हम लोग मानते हैं कि मन के अंदर जितनी भी मैल है, जितनी भी संघर्ष है, जितनी भी दुख है, सब चीज़ों को इस पुराने वर्ष में भूल के नए वर्ष का आगाज़ करेंगे, और नए वस्त्र, नए उमंग के साथ हम लोग नए वर्ष अच्छा से बीते। इसके लगता है आपके चेहरे में वो नए वर्ष का जो उमंग आप बात कर रही वो भी दिख रहा है। अच्छा, हम बंगाली कल्चर की बात करते हैं, मतलब कि पहना और खाना वो तो मतलब एक अट्रैक्शन का केंद्र होता है, आपकी क्या तैयारी है? हर साल की तरह इस साल भी बंगाली कल्चर का एक पार्ट तो जो इंडिस्पेंसिबल है, जिसको हम लोग छोड़ ही नहीं सकते हैं, पहला है मिठाई और दूसरा है मछली। शायद ही कोई ऐसा आपको मिल जाएगा जिसको मछली और मिठाई पसंद नहीं है। तो ये तो एकदम ज़रूर से ज़रूर हम लोगों का नया साल का जो जो भी हम लोगों का रहेगा मेन्यू रहेगा, जो भी चीज़ रहेगा, उसमें तो डेफिनेट से बात है ये दोनों चीज़ इंक्लूड रहेगा ही रहेगा। कल्चर से भी काफ़ी करीब है बंगालीज, तो जैसे डांस हो गया, गाना हो गया, तो उसकी भी कुछ प्रैक्टिस चल रही है? हाँ, हम लोग का तो एकदम चल रहा है, एकदम पूरा जोर शोर से चल रहा है। हम लोग का प्रोग्राम है, उसमें चलेगा पूरा गाना, डांस, फिर पेंटिंग, डांसिंग कंपटीशन, सब कुछ होगा हम लोगों में। अच्छा, आप भी हमारे साथ, तो ऐसा लगता है कि कुछ सालों में जैसे पहले शायद पोला बैशाख मनाते थे और अब कुछ धीरे धीरे बदलाव हुआ है, या वैसे ही अब मना रहे? नहीं, मुझे लगता है कि जितना दिन जा रहा है उतना हम लोग और ज़्यादा अच्छा से मना रहे हैं। पहले तो लोग थे, अभी हम लोग और ज़्यादा अच्छा से मनाते हैं। अभी गाना बजाना चारों तरफ, मतलब हम लोग का पूरा बैसाख मास चलता है। रविंद्र जयंती आएगा फिर से, तो फिर हम लोग बहुत अच्छा से मनाते हैं। अच्छा, बचपन में क्या करती थी अभी और अभी क्या कर रही है? बचपन में था कि एक नया कपड़ा का खुशी और खेलने जाना है, बाहर घूमने जाना है दोस्तों के साथ, उतना ही में था। अभी है कि घर के बच्चों को, बड़ों को एक जिम्मेदारी भी निभाते हैं, ऊपर से अपने से हम लोग जो सब साथी सब है सब मिल के इंजॉय भी करते हैं। तो एक तो लेडीज़ का ये होता है कि थोड़ा सब कुछ देखते हुए भी इंजॉय भी करना है साथ में। हम लोग पोला बैशाख की बात कर रहे हैं, इतने सालों से आप उसको मना रही होंगी, इस बार कुछ नई तैयारी कर रही हैं? नई तैयारी तो नहीं है, लेकिन बच्चे घर में नहीं रहते, उन लोग सब बाहर हैं, तो उनकी याद तो बहुत आती है। और पहले जो बच्चे लोग के लिए नया कपड़ा खरीदना, उनके साथ अपना भी नया उस बहाने हो जाता था। अब थोड़ा सा वो लगता है कि काश वो हमारे साथ रहते तो और मज़ा आता। एनीवे, सबको मैं सबको शुभ नववर्ष का शुभकामनाएं दे रही हूँ, और सबके लिए
खुशी और समृद्धि लाए, इसका मैं वो कर रही हूँ। अच्छा, आप बोल रही हैं कि अभी बच्चे नहीं हैं, बच्चे यहाँ रहते हैं तो साथ में शॉपिंग भी हो जाती है, तो अभी वीडियो कॉल से बात करके उन्हें विश करेंगे? हाँ श्योर, वो तो सुबह सुबह ही करेंगे, अगर मैं नहीं करूँगी तो वो करते हैं फ़ोन हमको। और मेरी बेटी जैसे बेंगलोर में है तो वो पूछी कि तुम अपने फ्रेंड लोग से पूछो कि वहाँ बंगाली न्यू ईयर कहाँ कहाँ मनाते हैं, वो बहुत मिस करती है। हालांकि वहाँ बहुत बंगालीज हैं, तो वो हम लास्ट टाइम जैसे मेरी फ्रेंड को एक फ्रेंड को पूछ के उसको बताया कि यहाँ होता फंक्शन होता है, तुम ज़रूर जाना, तो वो गई, वो एंजॉय की और अच्छी की याद लेके फिर वापस आई कि चलो। अच्छा, मतलब जो नया जनरेशन है उसमें अपने कल्चर को कैरी ऑन करवाना वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पॉजिटिवली हम लोग उसको वो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करने के लिए हम लोग एनकरेज हमेशा करते हैं। हम लोग थोड़ा बंगाली कल्चर पर भी ज़्यादा बात कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखती हैं और कैसे सेलिब्रेट? एक तो घर को साफ सफाई, नया पर्दा घर, सफाई के बाद आम का पत्ता जो है उसका माला बना के गेट पे लगाना, दो मट्टी का कलसी उसके ऊपर आम पत्ता नारियल दे के घर के दोनों साइड पे सुबह मनते हैं। दूसरा है बच्चा लोग बाहर में हैं, उन लोग बाहर में भी अपना बॉन्ग्स एक कम्युनिटी बना लिए कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज में। फिर बेटी मेरी डॉक्टर है, वो भी अपने डॉक्टर लोगों के साथ जितना बंगाली है तो लाल पार साड़ी और एक जगह बैठ के खाना पीना, पोस्तो मछली पूजा पाठ सब कुछ अच्छा लगता है कि न्यू जनरेशन भी अपने आप सीख गए हम लोगों को देख के। आप इस बार कैसे करेंगे, जिसमें आपने बोला कि थोड़ा मिस करेंगे बच्चों को, शॉपिंग थोड़ा मिस करेंगे, आप कुछ मिस करें? मैं शॉपिंग करके कुरियर से भेज दिए दोनों बच्चे, डेटेड हम लोग का सेलिब्रेशन हो गया फेस्टिवल, भेज दिए उन लोगों को, मिल भी गए, सब पहनेंगे पहला वैशाख। और मैं भी अपने लिए सब इंतज़ाम, हस्बैंड के लिए भी खरीद लिए पाजामा कुर्ता हम लोग, और जितना मोहल्ला में सोना दुकान है उसमें तो ज़रूर जाएंगे, काहे कि मिठाई का पैकेट और कुछ चांदी तो ज़रूर खरीदेंगे। मतलब कुछ वैसी धातु खरीदना बहुत शुभ मानते हैं, सिल्वर कुछ तो खरीदेंगे। और हस्बैंड लॉयर है तो उनका चेंबर में भी एक लाल खाता बोलते हैं, लाल खाता जो शालू कपड़ा से बनता है और धागा से मोड़ा हुआ, उसके उसमें मैं कॉइन पे सिंदूर लगा के उसमें गणेश जी का पूजा करेंगे, करके उनको दे देंगे, इसी में हिसाब रखो सालों भर, तुम्हारा भलाई होगा। इतनी बात हम थोड़ा और बातचीत करेंगे, बट बीच में क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा गाने की तैयारी की बात की थी तो मुझे लगता है दर्शक भी वो सुनेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा अगर कुछ आपने ऐसा रेडी किया हो तो। एक्चुअली ये एक नया साल का शुरुआत के साथ साथ गर्मी का सीजन का भी शुरुआत है, तो हम लोग ये दोनों मिल के ये गाना हम लोग सबको ही गा रहे हैं, हम लोग बैसाख का आह्वान करते हुए ये गान कर रहे हैं, नया वर्ष हम लोग एक साथ गाते हैं, एक साथ गाते हैं, चलिए शुरू कीजिए, स्टार्ट करें। हाँ, वन टू थ्री। एशो हे वैशाख, एशो एशो, मुझे जाग ज्ञानी, मुझे जाग जरा, अग्नि स्नानी शुचि हो धारा, मुझे जाग ज्ञानी, मुझे जाग जरा, अग्नि स्नानी शुचि हो राशि रो आवेश राशि
बहुत सुंदर सबने, मतलब मुझे लगता है एक साथ कितनी प्रैक्टिस लगी थी इतने दिन कर रहे थे। बहुत हम लोग बहुत मेहनत की है। ये प्रैक्टिस हम लोगों को नहीं लगती है क्योंकि बचपन से हम लोग इसको गा रहे हैं। ये बंगला का जनगण मन है, हर हर हम लोग पड़े हुए हैं। अच्छा, आप भी अभी जैसे हम बातचीत करें इसमें शामिल हो गई, तो हम लोग जो ऐसे सॉन्ग की बात करें जो आप सबने प्रैक्टिस की, जैसे मैम भी कह रही हैं कि इस पर उतना कुछ खास शायद मेहनत, क्योंकि बचपन से वो कर रहे हैं, तो कल्चर से मुझे लगता है सॉन्ग या डांस के थ्रू हम थोड़ा और उसको नज़दीक से देखते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग के बोलते ना कि ब्लड में इनबिल्ट है म्यूज़िक। बंगाली मतलब म्यूज़िक, खाना पीना, शौकीन हर चीज़ में बंगालीज। मतलब ये जो पहला पोशाक है, जैसे सबने मेरे बड़ों ने कहा, आपको पहले ही बता दिया कि क्या महत्व रखता है ये फेस्टिवल हमारे लिए, तो हम लोग उसी का वेट करते हैं पूरे साल भर कि पहला पोशाक आएगा, हम लोग ये करेंगे, ये पहनना है, ये खाना है, यहाँ जाना है। और वैसे ही अभी हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, और गाना देखिए अभी हम लोग को मतलब गाना का प्रस्तुति भी देना है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो पहले दिन के तौर पर मनाते हैं कि ये साल का पहला दिन, उसके बाद पूरा साल वैसे ही जाए, तो क्या कुछ करती हैं तैयारी कि पहले दिन के बाद पूरा साल वैसे ही जाए? मैंने कोशिश करती हूँ कि पहला शुरुआत में अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, नया कपड़ा भगवान को चढ़ा के मंदिर में जरूर नया कपड़ा पहन के भगवान को पहले चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, फिर घर का सब सदस्यों को प्रणाम करते हैं, यही हम लोग को शुरुआत होता है। और खाना पकवान वो तो बंगाली का सबसे बड़ा ही है, तो हम लोग को खाना सब चीज़ में ही त्यौहार में होता ही है, सब चीज़ में होता है, मिठाई वगैरह मीट नॉन वेज वेज सारा खाना बनते हैं, ताकि हम लोग पूरा साल माँ लक्ष्मी माता हम लोग को ऐसा ही रखे, हम लोग खाना खाए, खुशी मनाएं, बच्चा लोग को नया कपड़ा पहन के और बड़ों को पैर छूते हैं। मुझे लगता है एक मौका मिलता होगा कि सारे पूरी जो फैमिली है वो एक साथ एक जगह गैदरिंग होता है, और वो चीज़ हमेशा होते रहते। मैंने पहला बैशाख को बाद में भी हम लोग एक दूसरे को घर में जाके माने खुशी मनाते हैं, ये मिठाई भेजते हैं, मिठाई खाते भी हैं, माने यही हम लोग को सिलसिला है, बंगाली में बहुत खुशी मनाता है। आपको ही वैसा लगता नहीं कि मेहनत करते हैं वो एनर्जी आ जाती है? हाँ, एकदम ऑटोमेटिक अंदर से, कितना भी थके रहते हैं लेकिन वो एनर्जी आ जाते हैं। इस बार क्या स्पेशल डिश बनाएंगे? स्पेशल डिश मालपुआ। आप लोग जानते होंगे मालपुआ हम लोग का अच्छा खीर है, जो कि बंगालीज बोलता है पायस, हम लोग पायस बोलते हैं, और मालपुआ कुछ भी किस्म किस्म के हैं, रसगुल्ला सभी घर में सब कुछ बनाते हैं, पंतुआ बोलते हैं हम लोग, तो सब कुछ घर में बनते हैं, नहीं जानता है तो यूट्यूब से देख के भी जान के बनाते हैं, माने इच्छा होता है, एनर्जी को बात बोल रहा है खुशी मनाने के लिए, तो हम लोग सब ये सब खाते हैं। क्या क्या करते हैं वो तो बात में हो गई, और क्योंकि बहुत एक गाना हमने सुन लिया लेकिन और भी बहुत सारी तैयारियां की गई हैं नाच और गाने को लेकर, वो भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है समाचार प्लस के एक बेहद ही खास कार्यक्रम में, जहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पोला बैशाख। जी हाँ, बंगालीज का ये बहुत ही खास फेस्टिवल कह सकते हैं, न्यू ईयर की शुरुआत होती है। और वैसे बता दूँ कि जो पोला बैशाख है, नव वर्ष है, इसकी तैयारी सिर्फ घर में ड्रेसेस या खाने पीने में नहीं होती है, यहाँ पर स्टेज पर भी पहुँच जाती है, जहाँ पर नाच गाने हर चीज़ की तैयारी हो रही है, लोग यहाँ पर एक जगह सेलिब्रेट करने के लिए इससे पहुँच रहे हैं। तो हम लोग न्यू ईयर एक कह सकते हैं जो बंगाली कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, उसकी तैयारी की बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ बात की, जैसे घर में जो तैयारी होती है, खाना पीना, न्यू ड्रेसेस, यहाँ पर स्टेज पर भी एक अलग तैयारी हो। जी, यहाँ पे मतलब हम लोग एक्चुअली न्यू ईयर का शुभारंभ करते हैं, गाना गा के सेलिब्रेशन करते हैं, ये हमारा एक बंगाली कल्चर में पड़ता है। आप इसमें अभी क्या पार्टिसिपेट? मैं बैताली ग्रुप की मेंबर हूँ, हमारी टीचर है मिसेस पारमिता चौधरी, मैं उन्हीं की मेंबर हूँ उस ग्रुप की, यहाँ पे हम लोग गाना गाएंगे, ग्रुप सॉन्ग सोलो एवरीथिंग, ग्रुप सॉन्ग सोलो सबकी तैयारी हो रही है, तो सॉन्ग की भी तैयारी, यहाँ पर स्टेज पे भी परफॉर्म करना है, घर पे भी नई घर तैयारी हो रही होगी? हाँ, घर की साफ सफाई है, फिर मीठा बनाना पड़ता है, जैसे बंगाली में फेवरेट है पायस, पायस बनते हैं तैयार। क्या होता है ये पायस? चावल और दूध और चीनी का बना जाता है, उसमें आप ड्राई फ्रूट डालिए, फिर इलायची, उसमें एकदम सुन के मुंह में पानी आ जाए। और फिर न्यू ईयर में नया कपड़ा, वो एकदम मस्ट है सबके लिए।
न्यू ईयर की शॉपिंग हो गई? हो गई। और अभी यहाँ पर स्टेज के लिए क्या तैयारी? मैं गाना का रिहर्सल ये होगा, बंगाली गाना रविंद्र संगीत जो बोईताली ग्रुप का तरफ से हम लोग करेंगे। मतलब आप मतलब लीड कर रही हैं बहुत लोगों को? हाँ, हमारा एक इंस्टीट्यूशन है बैताली, तो मैं लीड कर रही हूँ। अच्छा, मैं सवाल आपसे वही नहीं रिपीट करूँगी कि आप पहला वर्षा क्या तैयारी कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप मेंबर भी हैं, तो जो तैयारी कर रही हैं वो हम यहाँ सुनना चाहेंगे। मीन्स ग्रुप में जो न्यू ईयर के लिए तैयारी, हम लोग यहाँ पे गाना सॉन्ग हम लोग कर रहे हैं, दो बंगला सॉन्ग ही करेंगे यहाँ पे, न्यू ईयर है इसलिए। तो हम लोग का स्कूल एक्चुअली रविंद्र संगीत का स्कूल है, तो हम लोग दो रविंद्र संगीत करेंगे। तो यहाँ पर सुन सकते हैं? हाँ ज़रूर, एकदम। चलो तुम्ही नौ बनो रुपये, चलो तुम्ही नौ नौ रुपये ईशो प्राणे, तुम्ही नौ नौ रुपये ईशो प्राणे, ईशो गंधे बारोने ईशो गाने, ईशो गंधे बारोने गाने, तुम्ही नौ नौ रुपये ईशो प्राणे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कितने दिन की तैयारी है ये? ये बस दो दिनों की है। बस दो दिन की तैयारी? इतनी actually, मतलब ये बहुत बड़ी सिंगर है ना, ये सीखा इनका सिखाने का। हम लोग का शुरू से हम लोग कुछ कुछ तैयारी करके रखते हैं कि कभी कोई ओकेजन आया तो ये भी तो एक कारण हो सकता है, क्योंकि बंगाली कल्चर में बचपन से ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं लोग डांस में, तो इसलिए जल्दी। हाँ, तो इसलिए कोई ना कोई हम लोग या तो डांस नहीं तो म्यूजिक नहीं तो रेसिटेशन हम लोग करते ही रहते हैं। तो अचानक से ये हमारे पास एक ऑफर आया तो चलो एकदम चल जाते हैं वहाँ पे। और नया ये साल है तो उसमें जोश नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? अच्छा, आपकी क्या तैयारी चल रही है? हम लोग के फोक सॉन्ग की, बंगाली नहीं, सिर्फ यहाँ की तैयारी नहीं बोलूँगी, जो पहला बैशाख की बात करें, न्यू ईयर की बात करें, उस दिन के लिए सुबह से उठ के पूजा रहता है थोड़ा, फिर कुछ कुछ अच्छा खाना लंच में। वो बनाना है कि सिर्फ खाना है? नहीं, बनाना तो है ही, बना के खाना है। अच्छा, मेहनत ज़्यादा है मतलब? हाँ एकदम तैयारी। स्पेशल डिश? हाँ, मछली, फिश का डिश, फिर पायस तो बनता ही है। अच्छा, हमने लेडीज़ से बहुत बात की कि जैसे वो पार्टिसिपेट भी कर रही हैं घर में खाना और साफ़ सफाई भी, आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? मेरा मिसेस यहाँ पर कर रही है, अभी है वहाँ पर। अच्छा। वो कर रही है तो हमको उसका पीछे पीछे घूमना है तो ही मेरा काम है। अच्छा, खाने में कुछ हेल्प करने वाले हैं? मैंने बहुत, हम खाने में भी हम लोग मैंने बंगाली न्यू ईयर जो है पहला वैशाख मेनली खाना के ऊपर ही होता है, मेनली खाना कल्चरल प्रोग्राम। आप किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बनाने में कि खाना? बनाना तो पड़ता है, बनाना तो स्पेशल डिश कुछ है बनाना पड़ता है, मिसेस बनाती है, बेटी बनाती है, सब मिलके बनाती है, सब हम लोग खाते हैं, बहुत मैंने आनंद ही आनंद है उस दिन, जितना दुख हो सब उधर भूल जाते हैं हम लोग उस दिन। आप कैसे सेलिब्रेट करें? मैं अपने बच्चे के साथ और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, साथ में कुछ मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग पहले पूजा दूंगा और कुछ फिर घर में रह नहीं पाता, ऑफिस रहती है, इसलिए उनका पूरा पूरी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। अच्छा, शॉपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नहीं पहले रहती है तो उसका प्रेशर तो आप पे? हाँ, वो तो हो गया ऑलरेडी, प्रेशर निकल गया वो सेलिब्रेट करना है। चलिए आप बताइए कि इतने साल में कुछ बदला है सेलिब्रेशन में कि उसी तरीके से बनाते हैं? नहीं, कुछ बदला है, कोविड का बात तो बहुत सारा बदल गया है, बहुत मतलब कोविड में हुआ भी नहीं था तो उसको हम लोग ज़्यादा से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और घर में आज ही से पकवान बनना चालू हो गया है, बंगाली फिश डिश, इलिश माछ, भेटकी मछर, पातुड़ी सब रेडी है। कि उस दिन के पहले से तैयारी शुरू? तैयारी है, प्लान बन गया है, अब बनने का देरी है। अच्छा, मतलब जितने भी फेस्टिवल होते हैं जैसे पहला बैशाख है तो सबसे खूबसूरत चीज़ कह सकते हैं कि फैमिली एक जगह होती है, लोग एक जगह होते हैं। फैमिली में मेरा दो बेटा है, एक ऑस्ट्रेलिया में एक बॉम्बे में है, तो एक जगह होने का तो स्कोप नहीं है, बट डिस्पाइट दैट आई एम सेलिब्रेटिंग विद माई फैमिली। ये एक दूसरी फैमिली है? हाँ, दिस इज़ माई फैमिली, और यही खूबसूरती भी है, फैमिली नहीं है। अच्छा, हम सब आप लोगों से ही बात कर रहे थे, अब तो क्योंकि एक थोड़ा मस्ती वाला ज़्यादा मूड आ गया है, घर का जो तैयारी था वो हो गया, ये बाहर की अलग तैयारी चल रही
हाँ, बाहर की अलग तैयारी चल रही है। यह हमारा क्लब प्रांगण है। इस क्लब प्रांगण में 15 और 16 दो दिन एक मिलन मेला चलेगा और इस मिलन मेला में हम लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। इसमें 30 से ऊपर स्टॉल्स होंगे जिसमें विभिन्न तरह के सामान बिके जाएंगे और हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जिसमें 100 से ऊपर कलाकार रांची के विभिन्न जगह से कलाकार यहाँ आएंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पहला वैशाख की बात कर रहे हैं सर, सब यहाँ गेट टुगेदर यहाँ पर हो रहा है, घर पर भी तैयारी होती है। अच्छा, महिलाओं का क्या एक रोल तो पता चलता है, आपका क्या रोल है? मेरा रोल ये जो कोरस, हम लोग भी कोरस में है और दो गाना हम लोग गाएंगे उस दिन। और ये जो दो दिन के लिए ना, हम लोग 365 दिन इंतजार करते रहते हैं कि कब आएगा कब आएगा। और मेला आप आइएगा तो देखिएगा, पूरा बंगाली कल्चर यहाँ पर जैसे कि एक हो गया है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बंगाली 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 हर जगह दिखेगा। और हम कुंभ की बात करते हैं सर, यहाँ पर जैसे सर भी कह रहे थे कि मिलन मेला होगा, स्टॉल्स लगेंगे, ये जो बंगाल कल्चर हम बोलते हैं वो सामने दिखेगा, आप कैसे इस पहला वैशाख को बना रहे हैं? देखिए, पहला वैशाख हम लोगों का जो नया साल शुरू होता है, ये हम लोग के लिए बहुत शुभ दिन है। बादशाह अकबर का टाइम से पहला बैसाख में ये जो है इसको मनाना शुरू हुआ था। पहले बंगाली को अक्षय तृतीया में बनाते थे, कई करीब 700 साल पहले। और इस दिन में हम लोग कोशिश करते हैं एक साथ सबको मिल के आनंद करें। और बंगाल में या तो बंगाली में कुछ भी प्रोग्राम, कुछ भी त्यौहार होगा, उत्सव होगा, उसमें कल्चरल प्रोग्राम जरूर रहेगा, रसगुल्ला जरूर रहेगा और
सब कोई मिलजुल के हम लोग रहते हैं। और छोटा सा गीत क्योंकि अब खत्म कर रहे हैं, तो रसगुल्ला मिठाई जो वो लोग बोल रहे हैं, तो गानों में भी वो रस दिखाई देता है कुछ आप? সেজে পরম প্রেম সুন্দর জ্ঞান নয়ন নন্দন, সেজে পরম প্রেম সুন্দর জ্ঞান নয়ন নন্দন, পূর্ণ মধুর নিরমল জ্যোতি জগত বন্দন, पहला बैसाख में हम लोग परमेश्वर का पूजा करते हैं, ठीक है? मतलब जब हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं तो जो 1 जनवरी होता है, 31 की जो नाइट होती है उसमें आतिशबाजी होती है और बहुत शोर शराबे के साथ नए साल का स्वागत होता है। लेकिन अगर जब हम इंडियन कल्चर की बात करें, होली हो या फिर पोला बैसाख, यहाँ भी उतने ही जोश और परंपरा के साथ, तो मुझे कह सकते हैं कि जो पौराणिक कथाएँ जुड़ी हुई है हमारे संस्कृति और कल्चर की जब बात करते हैं, तो यही फेस्टिवल है जो उसमें ये जो कथाएँ हैं या जो हमारा विश्वास है वो उभर कर आता है। तो आज के इस खास पोला बैसाख कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी दर्शकों को पोला बैसाख की, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा मैन नवल के साथ प्रभाष शर्मा।